गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका मिल्किंग मेथड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइव स्टॉक पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। ये काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको ये PPT कम्प्लीट मिलेगा। ठीक है, और साथ में आपको वहाँ पे क्विजेज भी प्रोवाइड की जाती हैं डेली, तो आप क्विजेज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मिल्किंग मेथड्स, तो ऐसा माना जाता है कि मिल्किंग मेथड्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका हैंड मिल्किंग मेथड और दूसरा आता है आपका मशीन मिल्किंग मेथड। अब आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, हैंड मिल्किंग मेथड्स का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैंड यूज़ करते हैं। फर्दर इसका अलग अलग कैटेगराइजेशन है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है मशीन मिल्किंग मेथड, यहाँ पे हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप लार्ज स्केल में मिल्किंग कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग मशीने का यूज़ करते हैं। ठीक है, नो हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हैंड मिल्किंग मेथड्स के अंदर क्या क्या है देख लीजिए। पहला आता है उसके अंदर फुल हैंड मिल्किंग मेथड। तो आपको सबसे पहले तो आप फिगर देखिए, क्योंकि फिगर आपके माइंड में रहेगा तो लिखा हुआ आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखा हुआ पे फोकस मत कीजिए, सबसे पहले आप फिगर को देखिए और फिगर को आप माइंड में रखिए। तो फुल हैंड मिल्किंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा हम लोग फिंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है किसी किसी का ये थंब ऊपर की तरफ होता है, बट आप फिगर में देख पा रहे हो कंप्लीट हम लोग फिंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो काऊ का या फिर किसी भी कैटल्स का जो टीट होएगा, तो टीट से क्या करेंगे लोग, टीट को हम लोग अपने फिंगर के बीच में रखेंगे और सर्कुलर फॉर्म बनाएंगे, और देन हम लोग फिर उसको प्रेस करेंगे अपने पाल्म के अगेंस्ट, जिससे क्या होगा आपके मिल्क निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, फुल हैंड मिल्किंग मेथड, जहाँ पे हम लोग टीट को लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में अपने फिंगर के थ्रू और फिर उसको हम लोग पाल्म के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे कॉमन मेथड है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका फुल हैंड मिल्किंग मेथड है सबसे कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है और सबसे इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये क्या है आपका फुल हैंड मिल्किंग मेथड। मैं बार बार बोलूँ फ्रेंड्स, लिखा हुआ आप खुद से भी लिख सकते हो, बट आपको फिगर याद रहेगा तो आप इजिली खुद से अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। नो आगे बात करते हैं हम लोग स्ट्रिपिंग मेथड। तो देखिए, स्ट्रिपिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात इनमें क्वेश्चन जो पूछा गया था कि स्ट्रिपिंग मेथड यूज़ किया जाता है छोटे साइज़ के कॉ में या फिर जिनका टीट का साइज छोटा होता है। ठीक है, आप कई लोगों को पता नहीं होगा सर टीट क्या होता है, तो ये देखो ये दिखा पड़ रहा ना, ये इसको टीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग मेथड ऐसे कॉ में यूज़ किया जाता है जिनका साइज छोटा होता है या फिर जिनका टीट का साइज छोटा होता है या फिर ये फर्स्ट कार्विंग के कॉ होते हैं। ठीक है, उनमें ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थंब और फोर फिंगर का यूज़ करते हैं फॉर द मिल्किंग पर्पस। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बिटवीन हम लोग टीट को इन बिटवीन फोर फिंगर और थंब के बीच में रख रहे हैं, देन उसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड भी आपका अच्छा माना जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। नो थर्ड मेथड आता है आपका कनकलिंग। देखो, इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कनकलिंग, तो इसको हम लोग फिस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत करना, कई बार क्या होता है ऑप्शन में कनकलिंग ना देख के फिस्टिंग दिया जाता है, तो अब ऐसा मत बोलना कि सर मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, तो फिस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकलिंग बोलते हैं। नो तो इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसा माना जाता है सबसे खराब मेथड। ठीक है, अगर मिल्किंग मेथड्स की बात करें तो सबसे खराब मेथड कोई है तो आपका फिस्टिंग या फिर कनेक्टिंग मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कैटल्स होते हैं उनमें इंजरी का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। आप सोचो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने ये थंब को बेंड कर रहे हो और उनके बीच में फिर आप टीट को प्रेस कर रहे हो, तो इनमें क्या होता है कई बार उनके जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड हम ऐसा माना जाता है कि अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा ये सेफ मेथड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नो देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है आपका क्रैकलिंग मेथड है या फिर फिस्टिंग मेथड है। नो अगला आता है आपका मिल्किंग मशीन मेथड।
अब देखो फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका अगर सेक्टर ही डेयरी सेक्टर है, आप उसमें जॉब करते हो या फिर वहाँ पे आपका कंप्लीट एक फार्म है, डेयरी फार्म है, तो वहाँ पे बहुत सारे कैटल्स होंगे। अब बहुत सारे कैटल्स होंगे तो आपको प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मशीनें यूज़ करते हैं ताकि हमको कम से कम काऊ के कॉन्टैक्ट में, हम लोग जितने भी कैटल्स आपके फार्म में हैं उनके कम से कम कॉन्टैक्ट में जा सके और हम प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन कर सके। क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर एक बीमारी फैली ना, तो सारे आपके जितने कैटल हैं उनमें फैलने की चांस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ट्राई करते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग एनिमल्स के करीब या फिर बहुत ही अपने आप को मैनेज करते हुए हम लोग कैटल के साथ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे चीपर कॉस्ट में आता है, इनमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है और फार्मर भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इसको खरीदने के लिए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है और इनका इम्पोर्ट भी अवेलेबल है, आप मार्केट से जाके इजली खरीद सकते हो। ठीक है, नो आप देख पा रहे हैं ये जो मेथड है, आपने कई बार देखा भी होगा फार्म के अंदर। ठीक है, जो बड़े साइज़ के फार्म होते हैं उनमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि इनके जो टीट होते हैं उनमें क्या किया जाता है, मशीन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर ये क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर ये मिल्क को सक कर लेते हैं। ठीक है, उधर से। ठीक है, नाउ देख रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है कि मिल्क काउज क्विकली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, या फिर इफिशियंटली बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मिल्किंग होते हैं काऊ के वो काफ़ी जल्दी होता है और काफ़ी इफिशियंट वे में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो काऊ का उदर होता है उनमें किसी भी तरह का कोई भी इंजरी नहीं होता है, कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता है, उनमें कोई भी पेन नहीं होता। जैसे कि आप प्रेस करते होंगे ना, तो कई बार पेन भी होता है आपके कैटल्स को, लेकिन अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो कोई भी तरह का पेन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो, टाइम आपका सेव करेगा और बहुत ही ये हाइजेनिक को मेंटेन करता है और एनर्जी कंजर्विंग एक अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और अगर बात करूँ तो मिल्क फ्रॉम द ओडर कैन बी रिमूव कम्प्लीटली। देखो कई बार की होता क्या है कि तो इंसान अपने हाथ से अगर मिल्किंग कर रहा है तो उसके माइंड में होता है यार कि कंप्लीट मेरा दूध निकला या नहीं निकला, कंप्लीट मैंने मिल्किंग किया या नहीं किया। तो अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका ओडर से कम्प्लीटली मिल्क को ये रिमूव कर देता है। ठीक है, आपका मिल्क आना कम हो जाएगा, तो आप समझना कि अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स कि उनका मिल्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका बड़ा सा फॉर्म है, तो सबसे अच्छा ऐसा माना जाता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो, मशीन मेथड यूज़ करो, आप इंस्ट्रूमेंट को परचेस कर लो। ठीक है, और अगर हैंड की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा मेथड आपका कौन सा है, मैंने आपको बताया था ना कि हैंड के अंदर सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से वो फिगर दिखा देता हूँ ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, फुल हैंड मिल्किंग मेथड, दिस इज़ अ सबसे अच्छा मेथड है। और एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, अगर फुल हैंड मेथड और आपका स्ट्रिपिंग मेथड दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आप मिल्क काफ़ी ज़्यादा इजेकुलेट, काफ़ी ज़्यादा आप मात्रा में मिल्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप मिल्किंग ज़्यादा कर सकते हो, बट सबसे अच्छा मेथड माना जाता है तो आपका फुल हैंड मिल्किंग मेथड। ठीक है, होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा मिल्किंग के क्या क्या मेथड्स हैं और सबसे अच्छा मेथड्स क्या है, क्या क्या इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।